तो इसीलिए परमात्मा ने हम आत्माओं को बहुत कुछ दिया है। जैसा कहा, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरा नसीब, सब कुछ वाह वाह करते चलिए। जो हमारा रोल है वो भी बहुत वाह है। जब हम वाह वाह करेंगे तो हाय हाय तो अपने आप खत्म होगा। तो मुस्कुराने में कीमत नहीं लगती है। एक भिखारी बनिया की दुकान पर गया, उससे गुड़ मांगा, उसने उसको जोर से झुंकार दिया। तो भिखारी ने कहा, इस आप जो महाजन जी गुड़ ना दें तो गुड़ जैसा मीठा तो बोल दें। तो हमारी बोली की कोई कीमत नहीं लगती है। अगर हम दो शब्द भी प्यार से बोलें और बहुत ही मुस्कुरा के बोलें, अपने आप में भी खुशी, औरों को भी खुशी। और टेंशन आप लिखें, टेंशन है क्या, उसमें से ए निकल गया है। अगर टेंशन से ए लगा दें तो क्या होगा, अटेंशन। तो हमारे देखने में, सोचने में, बोलने में, करने में, सब पे अटेंशन होगा। तो जहां अटेंशन होगा वहां टेंशन होगा ही नहीं। टेंशन माना दूसरा, टेन माना दस और सन माना बच्चे। क्या हमारे पास दस बच्चों का बोझ है? नहीं है ना। फिर किस बात का टेंशन? तो जब अटेंशन होगा, जैसा कि आपको दिनचर्या के ऊपर अन्य बातों पर भ्राता पीयूष ने सुनाया, तो अटेंशन रखेंगे तो निश्चित है कि हमारे पास टेंशन बहुत दूर तक चला जाएगा, दस कोस दूर होगा और हम बहुत खुश रहेंगे, खुश नसीब होंगे और सबको खुशी बांटेंगे। क्योंकि हमारी झोली में जाएगा वही तो बांटेंगे ना। अगर खुशी होगी तो बांटेंगे।